कोरोना पॉजिटिव के मामले हरदोई में लगातार बढ़ रहे हैं। आज ही 3 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें हरदोई में बैंक ऑफ बड़ौदा के बाबू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। बैंक का बाबू एक हफ्ते से बीमार चल रहा था। खांसी बुखार की शिकायत पर कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। प्रशासन ने बैंक को सैनिटाइजेशन तक के लिए बंद करवा दिया है और कोरोना पॉजिटिव मरीज की हिस्ट्री खंगाली जा रही है। नगर मजिस्ट्रेट जंग बहादुर यादव ने बताया कि मरीज के मिलने वालों व बैंक में आने जाने वालों की तलाश कर उनको होम क्वारंटीन कराया जाएगा और पॉजिटिव मरीज को मलियामो में बने L1 हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। आज बैंक खुला हुआ था, लेकिन बैंक के बाबू की रिपोर्ट आने के बाद फिलहाल बैंक को बंद करवा दिया गया है। सैनिटाइजेशन कार्य होने के बाद बैंक को खोला जाएगा। हरदोई में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 211 हो गई है। आप सभी से हरदोई तक की अपील है कि घर के बाहर जरूरी कार से निकलें और सुरक्षित रहें। जो रैंडम सैंपलिंग चलाई जा रही है, जिसमें जो भी संभावित लोग हैं सभी की सैंपलिंग, उनका सैंपल लेकर के टेस्ट कराया जा रहा है। उसमें से एक बैंक ऑफ बड़ौदा का कर्मचारी तथा एक मझिला थाने के सिपाही की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो रैंडम सैंपलिंग की जो रिपोर्टें आ रही है, इसमें जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उस प्लेस को बंद करके और वहाँ सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है तथा इन लोगों की जो हिस्ट्री है, किन किन लोगों से मिले हैं, उसको खोजा जा रहा है तथा खोज करके सभी को क्वारंटाइन कराया जाएगा तथा जो पॉजिटिव पाए गए हैं उन लोगों को जो L1 हॉस्पिटल है उसमें भर्ती कराकर